हेलो मेंबर्स, अब देखो आज का पार्ट टू काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आए, कर क्या सकते हैं वो बताएंगे, एंड आप लोगों की क्वेरीज वीडियो के एंड में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब देखो मेंबर्स, मैंने आरवीएनएल के वापस यहाँ पे आज वीडियो रखा था क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। ठीक है, कि सर आरवीएनएल में करेगा क्या, ये छोटा सा ब्रेकआउट है या बड़ा ब्रेकआउट है या फिर ये ट्रैप है, क्या है मुझे समझा सकते हैं? तो भाई मुझे समझाना था, इसकी वजह से मैंने अलग से वीडियो रख दिया है। ठीक है, अब देखो मैं कोई बकवास नहीं करता, मैंने कुछ रेफरेंस दिया है मासगन डॉक के और IRCTC के, HAL के कुछ रेफरेंस दिए हैं, एक बार जाके देख लीजिएगा टेक्निकल पे, क्योंकि मैं ट्रैक करता हूँ बड़े प्लेयर्स की मोमेंटम, तो शायद आपको ये समझ में आ सकते हैं फ्यूचर में भी। ठीक है, देखो कुछ समझने के लिए, मतलब आपको प्रॉफिट करने के लिए समझना ज़रूरी है, एक बार देखिएगा, थोड़ा समझने की ट्राई कीजिएगा। ओके, चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, FI की सेलिंग। भाई कंटिन्यूसली सेलिंग है, इसकी वजह से निफ्टी 17,800 ब्रेक नहीं करा। मे बी ऐसा हो कि अगर FI की खरीदारी आती है तो 17,800 ये क्रॉस करके क्लोजिंग दे सकता है, तो अभी के लिए नेगेटिव डेटा FI के। डालमिया भारत, अब देखो डालमिया भारत के नंबर मेरी हिसाब से पॉजिटिव साइड पे है, सेल्स बड़ी है, नेट प्रॉफिट बड़ा है, ये 2 ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छे नंबर है एज पर माई व्यू। ठीक है, अगर आप डालमिया भारत की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करता है। देखो स्टॉक ने ऊपर के लिए वैसे कुछ दिनों के लिए प्रॉफिट बुकिंग की थी, अब अगर मुझसे पूछो तो ये एक बेस्ट स्टॉक है। मान लो अगर आप कोई बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक ढूंढ रहे हो मिड कैप्स के अंदर, तो डालमिया भारत को एक बार ज़रूर वॉच लिस्ट पर रखिएगा, नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फाड़ू आ रहे हैं, थोड़ा वॉलेटल है डेफिनेटली, लेकिन 5-10 साल के लिए, मतलब चलो 5-10 साल भी नहीं, 2-4 साल के लिए अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखता है ये बंदा, इसको फोकस जरूर कीजिएगा एक बार। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब देखो AU के नंबर बहुत ही फाड़ू आ रहे हैं, ईयर टू ईयर बेसिस पे देखोगे सेल्स तो यहाँ पे 1600 करोड़ से बढ़ के 2200 करोड़ हो चुकी है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 346 के 425 हो चुका है, नंबर AU स्मॉल फाइनेंस के बहुत ही अच्छे हैं। ओके, अब देखो मुझसे अगर पूछा जाता है ये स्टॉक एक रेंज बाउंड स्टॉक है, काफ़ी टाइम से एक रेंज में पड़ा है स्टॉक, जब तक ये 730 को ब्रेक नहीं करता तब तक ये स्टॉक रेंज बाउंड रह सकता है, 730 ब्रेक होने के बाद ये 900 तक जाने का दमखम रखता है। ठीक है, एंड एक बात और बताना चाहूँगा, ये अगर पूछने जाए कि सर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा है, तो मैं इसका कंपैरिजन करूँगा बंधन बैंक से। क्यों? क्योंकि बंधन बैंक भी ऐसा ही स्टॉक है, बड़े प्लेयर्स का फेवरेट है, लेकिन अगर खराब रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक की पिटाई बहुत फाड़ू होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 590 का स्टॉक 200 जाता है, ठीक है 200 जाता है, तो आप अगर आपको इतनी वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। HDFC AMC, अब देखो HDFC के नंबर भी पॉजिटिव साइड पे है, हालांकि छोटा सा ग्रोथ है 10% का ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो इतना मायने नहीं रखता HDFC AMC में, एंड स्टॉक काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। ठीक है, अगर आप स्टॉक का चार्ट देखने जाए मंथली बेसिस पे, देखो टोटली अंडर परफॉर्मर स्टॉक है ये, मतलब ये ऐसा स्टॉक है कि अगर भागेगा तो बहुत बड़ा रिटर्न देगा, वरना तो ये भागेगा भी नहीं। ठीक है, एक आरवीएनएल जैसा ही स्टॉक है, तो अभी के लिए कोई मोमेंटम है नहीं, अवॉइड कीजिएगा, और मेरी हिसाब से इतना बड़ी मोमेंटम आने की चांस भी नहीं है ये रिजल्ट को देख के। ठीक है, देखो कुछ समझो, अगर स्टॉक इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर है और नंबर ऑलमोस्ट स्टेबल है ईयर टू ईयर बेसिस पे, ठीक है बहुत ही स्टेबल ग्रोथ है, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉक को, लेकिन मेंबर्स फर्क पड़ेगा लॉयड मेटल से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नंबर ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई दिए ईयर टू ईयर बेसिस पे, जो काफी फाड़ू नंबर है। अगर लॉयड मेटल एक बार स्टॉक देख लेते कहां पे ट्रेड करता है, देखो ये छोटू स्टॉक है लॉयड मेटल का, सी ये वाला स्टॉक अपने हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, काफी अच्छी मोमेंटम करा था ये लॉयड मेटल का स्टॉक। ठीक है, वर्टिकल मूव है लॉन्ग टर्म के लिए, 18 का स्टॉक 320 पे जाता हुआ दिखाई दिया, प्योर वर्टिकल मोमेंटम।
अभी अगर पूछने जाए तो सर ये मोमेंटम कल करेगा, चांसेस तो है ठीक है, लेकिन आपको बोलूंगा कि जब तक 325 ब्रेक ना करे तब तक कुछ मत करना। ओके 325 ब्रेक ना करे तब तक कुछ मत करना। और स्टॉक का सपोर्ट है वो है अराउंड ये लेवल, अगर ये लेवल टूटा जो है अप्रोक्सीमेटली 260, तो ये जो स्टॉक रेंज बना रहा है ना ठीक है, ये रेंज ब्रेक हो जाएगी फिर आएगा सीधा ये 225 पे जो इसका 200 डेमा है ठीक है। तो टेक्निकल चार्ट पे ये सपोर्ट है 260, ब्रेकआउट है 325 के ऊपर, चांसेस तो है करना चाहिए लेकिन लेवल का वेट कर सकते हैं। बाकी नंबर फाड़ू है, ये टू ये बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ है। अब मैम बस अगर नंबर की बात करनी चाहिए तो एलिकॉन इंजीनियरिंग के नंबर थोड़े पॉजिटिव साइड पे है, प्रॉफिट 47% से बड़ा है, लेकिन अगर आप स्टॉक का रिएक्शन देखोगे, ई एलिकॉन यहाँ पे एलिकॉन इंजीनियरिंग ठीक है, जो प्राइस है 421 की, आज अगर स्टॉक देखोगे 8% क्रैश हुआ है फ्रॉम द टॉप। ओके देखो अगर पूछो सर नंबर पॉजिटिव साइड पे क्यों गिरा, ठीक है सिंपल सवाल है, देखो इसका जनरली रीज़न नहीं होता, अच्छे नंबर्स भी काफ़ी स्टॉक क्रैश करवाते हैं, मे बी स्टॉक टॉप के पास था इसकी वजह से गिरा है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में कोई बुराई है नहीं ठीक है, अगर पूछे सर कितना गिर सकता है तो मेरे लिए 380 लेवल मैक्सिमम हो जाता है स्टॉक में, अभी के लिए 380 लेवल मैक्सिमम हो जाता है, चांसेस कम है, 380 का आसपास एक सपोर्ट है एंड 480 पे रेजिस्टेंस है, 480 ब्रेक होता है तो ये बड़ी मूव कर सकता है एलिकॉन इंजीनियरिंग ठीक है। एंड देखो ये स्टॉक हमारा सुपरस्टार स्ट्रेटेजी वाला स्टॉक था, बड़े प्लेयर्स ने जो बाई किया था ना वो स्ट्रेटेजी वाला स्टॉक था, तो अच्छी है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत है अगर किसी के पास है तो। अब मैं बस आखिरी रिजल्ट हो चुके हैं ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आप लोगों की क्वेरीज ले लेते हैं। रिजल्ट आखिरी है परसिस्टेंट, नंबर हल्के से पॉजिटिव साइड पे है क्वार्टर टू क्वार्टर, एंड अगर आप बात करने जाए तो यहाँ पे दूसरे जितने आईटी स्टॉक्स से लार्ज कैप से उससे काफी नंबर अच्छे आए हैं परसिस्टेंट के ठीक है। मुझसे पूछे तो भाई परसिस्टेंट के अंदर आप ये समझो कि अगर ये लेवल टूटा जो है 4700 के ऊपर, 4700 के ऊपर तो एक ब्रेकआउट होगा, एंड अगर 4200 के नीचे जाता है तो वो ब्रेकडाउन होगा। देखो नंबर भले पॉजिटिव साइड पे, फ्यूचर ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, आईटी स्टॉक में फ्यूचर ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ये समझो कि स्टॉक की मोमेंटम ही डिसाइड करेगी कि उसको जाना कहाँ पे है, तो आप लेवल्स का वेट कीजिएगा। अगर लेवल ब्रेक होता है तो ये 5000 को भी टेस्ट करेगा, 4700 को ब्रेक करने के बाद ठीक है, और उसके ऊपर भी जा सकता है, तो लेवल्स थोड़ा मेंटेन रखेगा, बाकी नंबर पॉजिटिव साइड पे है। तो मैं बस ये सभी हो जाते हैं नंबर्स, अब आप लोगों की क्वेरीज ले लेते हैं। अब देखो अदानी ग्रुप में एक सर ने पूछा था, नीतीश कुमार सर ने, उनका भी पूछने पर्सनल ईमेल भी आया था कि सर ये रॉकेट क्यों बने हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक, कोई न्यूज़ है क्या? तो डेफिनेटली न्यूज़ है, जैसे कि यस्टरडे मैं बोला था कि अदानी बाई बैक करने वाली है, हालांकि वो लाइव मार्केट में न्यूज़ आई थी, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था ठीक है, लेकिन आज अदानी के दूसरे स्टॉक्स में एक मोमेंटम अपसाइड आई है। ओके अगर मुझसे पूछे सर ये मोमेंटम क्यों आई है, तो आप ये समझो कि शायद रिटेल निवेशक या बॉन्ड मार्केट में भरोसा बढ़ा है ठीक है, इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि अगर कोई 4 क्वार्टर कंटिन्यूअसली बायबैक करता है उनका बॉन्ड्स, डेट बॉन्ड्स ठीक है, तो उसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि अगर ये नहीं करता तो स्टॉक रेंज में रह सकता था, लेकिन अदानी ने जो किया है वो पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये स्टॉक्स में थोड़ी सी इंटरेस्ट आया है बड़े प्लेयर्स को ठीक है, और जो स्टॉक्स इतना बड़ा क्रैश हुआ है इसकी वजह से लोग ने अदानी ग्रीन पे या अदानी पावर पे या अदानी ट्रांसमिशन पे फोकस किया है, क्योंकि वो ज़्यादा गिरे हैं, अदानी पोर्ट ज़्यादा नहीं गिरा है अगर आप कंपेयर करने जाए दूसरे स्टॉक से, तो इसकी वजह से यहाँ पे खरीदारी आती हुई आपको एक दिखाई दी है। ये समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ठीक है? तो अगर पूछे सर ये टेम्पररी मोमेंटम है या लॉन्ग पोजिशनल मोमेंटम है, तो आप ये समझो ये टेम्पररी मोमेंटम है अभी के लिए, 10 से 15% की मोमेंटम हो सकती है शॉर्ट टर्म में, आज 5% की हो गई और 5 या 10% की हो सकती है शॉर्ट टर्म में ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल में आप लेवल का वेट करना, जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक स्टॉक रेंज में रहेगा, अगर लेवल टूटता है जो है अदानी ग्रीन में 1100 का, तो स्टॉक में बड़ी मोमेंटम और आ सकती है, अभी के लिए शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है स्टॉक में 10 से 15% वाला। रामा स्टील, अब देखो सर का क्वेश्चन था रामा स्टील पे भी,
देखो मैं नायका के लिए, मैं कमलेश भाई मैं नायका के लिए टोटली अवॉइड बोलूंगा, क्योंकि नायका एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो मैं इसको कोई सजेशन नहीं कर पाऊंगा उसके लिए, ठीक है। नायका के लिए काफ़ी वॉलेटल स्टॉक है। अगर देखो रामा स्टील ट्यूब के बारे में बात करें जाए तो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये स्टॉक्स हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। एंड अगर पैनी स्टॉक्स में अगर आप कोई अच्छा स्टॉक कंसिडर करने जाए तो ये बंदा है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा कि स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं। अगर प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक कर लेना। ये स्टॉक बेस्ट है 10 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में फॉर द लॉन्ग टर्म। ये 3-4 साल में वापस 100 को टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है, 3-4 साल में, लेकिन अभी के लिए एक रेंज में रहेगा। यानी कि अब ये समझो 7-8 महीने मिनिमम एक रेंज में रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मूव कर चुका है। देखो 3 रुपये का स्टॉक 40 हो चुका है, यानी कि अभी प्रॉफिट बुकिंग और आएगी एज पर माई व्यू, और आनी चाहिए, ठीक है, अभी ये ध्यान में रखिएगा। वैसे भी अगर आप मंथली चार्ट पे RSI देखोगे तो 80 से नीचे जा रहा है स्लो एंड स्टेडीली। देखो RSI ओवरबॉट है, आप टेक्निकल समझ सकते हैं रिटेल निवेशक। दीपक नाइट्रेट एक आखिरी क्वेरी बन जाती है, बाकी बहुत नहीं लेंगे आज क्वेरी, बहुत सारे मैसेजेस आए। जय प्रकाश सर का क्वेश्चन था कि कब जाएगा दीपक नाइट्रेट, ठीक है, दीपक नाइट्रेट। देखो ब्रदर मैं आपको सिर्फ सिंपल बोलना चाहूंगा, ये अच्छी बात है कि स्टॉक में ज्यादा बड़ा फॉल नहीं है। दीपक नाइट्रेट एक हॉट फेवरेट था, अब ये देखो टाइम स्पेंड कर रहा है। मैं हमेशा रिटेल निवेशक को बोलता हूँ कि अगर कोई स्टॉक बड़ी मूव करता है एंड बाद में फॉल करता है तो उसका पहला आंसर होता है कि साइडवेज वो चला जाता है फॉल करने के बाद, ताकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आए, स्टॉक को ऐड करें, स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाए, ठीक है। अब ये समझो कि मे बी शायद 1-2 क्वार्टर के बाद ये मोमेंटम अपसाइड करे, अभी के लिए टाइम स्पेंड कर रहा है। तो रिजल्ट अगर आउट परफॉर्मिंग आते हैं, मान लो कि ईयर टू ईयर बेसिस पे 60-80% ग्रोथ, तो मोमेंटम करेगा। अगर ग्रोथ कम आती है तो शायद ये 2 क्वार्टर के बाद मोमेंटम करे, ठीक है। अभी के लिए टोटली रेंज बाउंड है। तो मैं ज्यादातर क्वेरी शॉर्ट आउट कर दिया, फिर कोई क्वेरी बच जाती है कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़िएगा, फ्री BTST प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ऐसे ही कॉल्स कोई इंटरेस्टेड रखता है, जैकपॉट कॉल्स RVNL जैसे, तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैं, लेकिन ध्यान में रखना होगा कि आपको हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन करना होगा। क्यों भाई? ये लोग हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट देते हैं, और वो बेनिफिट हम आपको 5 महीने की फ्री मेंबरशिप तरी से देते हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, आप ये समझो बस मार्केटिंग जैसा है। बाकी आप 900 रुपीज़ पर मंथ की भी मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।